हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको जाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप स्टिकर फीचर में अपने फोटो या अपने गर्लफ्रेंड के किसी के या अपने हीरोइन के हीरो के या अपने लीडर के किसी के भी फोटो यहाँ पे रख सकते हैं। वो कैसे करना है, आपने व्हाट्सएप के स्टिकर में कैसे आप डाल सकते हो, कैसे अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो वो स्टिकर, तो वही आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे काफ़ी कमाल कमाल के ये फीचर है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए मेरे फ्रेंड्स का फोटो, ऐश्वर्या राय का फोटो, सभी का फोटो मिल जाएगा यार, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे हम स्टिकर में, उसके बाद ऐड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑल स्टिकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद माई स्टिकर में देखिए, तो यहाँ पे स्टिकर जो ऑप्शन है यहाँ पे मेरे सभी यहाँ पे जो मेरे फोटो और ऐश्वर्या राय के फोटो हैं वो भी आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप ये वाली एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है, ये लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पहले आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इस ऐप को साइड पे रखना है। उससे पहले आपने इंस्टॉल करना है बैकग्राउंड, यहाँ पे दूसरी ऐप है बैकग्राउंड इरेजर, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोड ए फोटो कर लेना है, अपना कोई भी फोटो चूज़ कर लो। फोटो चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड जो है वो आपको इरेज करना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ डन लिखा हुआ है, डन कर लें आप। डन करने के बाद यहाँ पे आप देखें बैकग्राउंड जो है वो इसको हम इरेज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने मैन्युअली कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, तो मैं मैन्युअली कर लेता हूँ। मैन्युअली में ये होगा कि आपको अच्छी तरह से आप ब्लर कर सकते हो सभी, और ऑटोमेटिक में आप एक जगह पे रखेंगे, क्लिक करेंगे, वो खुद ही ब्लर कर लेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो मैन्युअली में आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ टाइम आप अच्छी तरह से इसको बैकग्राउंड को इरेज कर लें। इरेज करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा इरेज करने, उसके बाद आपने डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो हो जाएगी सेव, तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे फाइल कुछ ऐसी आपको मिलेगी, फाइल जो होगी वो PNG फाइल होगी। तो ये वाली फाइल आपने क्या करनी है, यहाँ पे आप दोबारा से चले जाएंगे, यहाँ पे पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप इस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। वहाँ पे देखिए इरेज के फोल्डर में 5 स्टिकर हैं, तो यहाँ पे मिनिमम आपके 3 स्टिकर होने चाहिए, उसके बाद ही आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 5 हैं, तो मैं इसको ऐड टू व्हाट्सएप करूँगा। ऐड टू व्हाट्सएप करने के बाद यहाँ पे आपने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो जितने भी फोटो हैं वो आपके व्हाट्सएप के स्टिकर में चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके जो व्हाट्सएप है वो वहाँ पर आपके व्हाट्सएप में भी ये स्टिकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो मैंने वो पहले भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने करना था, वो व्हाट्सएप में कर लिया है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप में चले जाएंगे, यहाँ पे किसी भी फ्रेंड्स को आप ओपन कर लें, किसी भी फ्रेंड्स का यहाँ पे ग्रुप या उसका जो भी है व्हाट्सएप का नंबर वो ओपन कर लें। उसके बाद इमोजीज पे ओके करें। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे गिफ, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन है, ये है स्टिकर का। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक फोल्डर में यहाँ पे देखिए ये वाला फ़ोटो जो अभी मैंने अरेज किया, ये वाला फ़ोटो आ चुका है। काफ़ी कमाल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन में जाऊँगा, उसके बाद आपने ऐड कर लेना है या डिलीट कर सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ और जो व्हाट्सएप के ऑफिशियल हैं यहाँ पे स्टिकर, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी कमाल के हैं, काफ़ी यहाँ पे आप अच्छे भी लगेंगे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस वीडियो को देखने के, इस स्टिकर फीचर को व्हाट्सएप में देखने के बाद। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।